अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। स्टूडेंट्स? ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग लास्ट क्विज। जी, सर, उसमें आपने सर एक क्वेश्चन दिया था कि सर आरी में कितने टपल्स होते हैं। सर, उसका करेक्ट आंसर क्या था? थ्री टपल्स सर। वो हमने हमने सर थ्री लगाया, लेकिन सर वहाँ पे जो आंसर था ना, वो फोर लगा हुआ था। वो हाँ, वो फिर वो गलती से सिलेक्ट हो गया, वो फोर वाला क्वेश्चन जो है वो आंसर सिलेक्ट हो गया, क्योंकि तो मैंने चॉइसेस बनाई थी ना 3 4 5, तो उसमें फिर जी वो सर, फोर सिलेक्ट, उसमें फोर सिलेक्ट हो गया होगा गलती से, तो फिर उसको उसमें ऐसा करते हैं कि सबको एक नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है, तो उसका कोई ओके इशू सर। नहीं है। सर, एक और क्वेश्चन भी था जिसमें आपने कार्डिनैलिटी पूछी थी सेट की, तो सर उस वो भी काइंडली आप जो है ना डिस्कस कर दीजिएगा, ताकि सर हमारी क्लैरिटी हो जाए। क्या क्वेश्चन बताओ सर ना। उसमें, सर उसमें ये था कि कार्डिनैलिटी बतानी थी। एक सेट आपने दिया था जिसमें एक वन था, कॉमा टू, फिर ब्रैकेट थ्री, और फिर ब्रैकेट फोर, और उसके बाद आई थिंक सो फाइव भी था। तो हाँ सर इसकी हाँ हाँ कार्डिनैलिटी, सर इसकी कार्डिनैलिटी कितनी बनेगी? उसमें जो ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स आती है ना, ब्रेसेस के अंदर जो ब्रेसेस आती हैं, ठीक है, जी, उस वो बेसिकली एक एलिमेंट कंसीडर होता है, वन एलिमेंट कंसीडर होता है वो। तो आप देख लें कि ओके सर, वन टू थ्री लिखा था, तो उसके बाद 4 5 जो है वो सेम ब्रैकेट ब्रेसेस में लिखा था, तो उस केस में वो जो है वो उसकी जो कार्डिनलिटी है वो 4 है। ओके सर। सर एक्चुअली ना वही कंफ्यूजन थी कि मतलब कि सेपरेटर जो था ना कॉमा, तो आपने बोला था कि जहाँ पे कॉमा आता है तो वो एक अलग जो है ना एलिमेंट कंसिडर होता है, तो बेसिकली आपको मोस्टली बता देता हूँ कि जी सर। जैसे कि हमारे पास कॉमा है, वो एक सेपरेटर है, तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं जी वन सर, कॉमा टू कॉमा थ्री, अगर ऐसे है तो आप देख सकते हैं कि इस सेट में जो कॉमाज हैं वो एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट और चार एलिमेंट, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है वो 4 है, ये एक एलिमेंट कंसिडर होगा, क्लियर है। ओके सर, क्लियर है। अगर इसकी जगह पे ये लिखा होता 1 2 3 4 5, इसमें आप देख सकते थे 1 2 3 4, ये 4 कॉमाज यूज हुए हैं, तो एक एलिमेंट, दो तीन चार और पांच, तो जितने कॉमाज हैं इस सेट के उसपे प्लस 1 कर दें तो आपके पास वो कार्डिनलिटी होती है, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन टुडेस लेक्चर, यू नो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एनएफए क्या होता है, ठीक है, और मैंने आपको कहा था इसके बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है, तो ये डीएफए होता है प्लस नल होता है, तो इसमें आप किसी भी स्टेट से किसी और स्टेट तक नल से लेबल कर सकते हैं, तो जब आप नल से लेबल करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब भी वही होता है जो इसका मतलब है, तो मतलब आप सेम स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 3 पे चले जा सकते हैं या स्टेट नंबर 4 पे जा सकते हैं ए रीड करके। क्यों? क्योंकि आप स्टेट नंबर 1 से कुछ भी रीड किए बगैर आप स्टेट नंबर 2 पे चले जाएंगे, और अगर आपने ए रीड करना है तो आप यहाँ पे भी खड़े हैं बेसिकली और यहाँ पे भी खड़े हैं आप, तो आप ए रीड करके आप यहाँ पे भी चले जाएंगे और आप ए रीड करके यहाँ पे भी चले जाएंगे, तो ये बेसिकली जो नल है ये हमें फैसिलिटेट करता है। इसका मतलब जो है वो यही है जो इसका मतलब है, कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए सेम करेक्टर के लिए आप दो पाथ बना रहे हैं, इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये क्यों क्रिएट हुआ कि आप सेम स्टेट से, ये स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 3 या 4 तक सेम करेक्टर के लिए दो डिफरेंट पाथ जो हैं वो बना सकते हैं, एजेस लेबल कर सकते हैं, तो ये मुमकिन
मुमकिन क्यों हुआ? ये नल की वजह से मुमकिन हुआ, क्यों? क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो एन एफ ए क्या होता है? एन एफ ए डी एफ ए प्लस नल होता है, ठीक है। ओके, तो आगे मूव करते हैं। तो मैंने कहा था कि क्या इन दोनों की पावर जो है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है, क्या इन दोनों की पावर जो है वो सेम है कि नहीं है? तो आपको क्या लगता है इन दोनों की पावर्स क्या है, सेम है कि नहीं? तो मैंने कहा था कि एन एफ ए की जो पावर है वो सेम होती है डी एफ ए की पावर से, मतलब जिस लैंग्वेज के लिए हम डी एफ ए बना सकते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज के लिए हम एन एफ ए भी बना सकते हैं, और जिस लैंग्वेज के लिए एन एफ ए बना सकते हैं उस लैंग्वेज के लिए डी एफ ए भी बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम प्रूव कर दें तो फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों के पावर जो है वो सेम है। पहला प्रूफ ये है कि एवरी डी एफ ए इज एन एफ ए, ये प्रूफ करना है। और दूसरा प्रूफ ये है कि एवरी एन एफ ए इज अ डी एफ ए, मीन्स एवरी डी एफ ए हैज एन इक्विवेलेंट एन एफ ए एंड एवरी एन एफ ए हैज एन इक्विवेलेंट डी एफ ए। तो अगर हम ये दोनों चीजें प्रूफ कर दें, ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल प्रूफ है कि आप डी एफ ए को एन एफ ए के इक्विवेलेंट प्रूफ करना चाहते हैं। तो अगर हम ये करते हैं तो हम कह सकते हैं इन दोनों की पावर जो है वो सेम है। ये दोनों जो टूल्स हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल्स जो हैं, ये दोनों सेम पावर है इनकी, ठीक है। तो ये तो एवरी डी एफ ए इज एन एन एफ ए, ये तो ट्रिवियल है, ठीक है। मतलब क्या? मतलब ये है कि ये बाई डेफिनेशन ट्रू है, क्योंकि डी एफ ए जो भी बनाएंगे आप वो बेसिकली एन एफ ए ही तो होगी, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक डी एफ ए बनाई है, बाई डेफिनेशन दिस इज ऑल्सो अ एन एफ ए, क्यों? क्योंकि एन एफ ए जो है उसमें डी एफ ए उसका सब पार्ट है, डी एफ ए जो है उसका सब पार्ट है, उसका सबसेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एन एफ ए है वो एवरी डी एफ ए इज एन एन एफ ए, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो बाई डेफिनेशन ट्रू है। अब हम ये प्रूफ करते हैं कि क्या एन एफ ए जो है वो डी एफ ए के इक्वल है। तो ये हम प्रूफ ऐसे कर सकते हैं अगर हम एवरी एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर एक एन एफ ए आपके पास, आप उसको डी एफ ए में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं हर एन एफ ए को, तो इसका मतलब ये है कि वो डी एफ ए के इक्वल है। तो लेट स्टार्ट हाउ वी कैन कन्वर्ट एन एन एफ ए इंटू इक्विवेलेंट डी एफ ए। तो हम एन एफ ए को इक्विवेलेंट डी एफ ए में कन्वर्ट करते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, वो स्टेप बाय स्टेप, हम अगर एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है और हम एवरी एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट डी एफ ए में, तो इसका मतलब यही है कि दोनों की पावर जो है वो सेम है। तो लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्जन, हम इसकी कन्वर्जन। तो आप मुझे कोई भी एन एफ ए लिखवाएं जिसमें कोई पांच छह स्टेट्स हों, किसी के माइंड में हो कोई भी एन एफ ए, फॉर एग्जाम्पल ये डी एफ ए है या एन एफ ए है? क्यों स्टूडेंट्स? अरे डी एफ ए, डी एफ ए है। दोबारा देखेंगे डी एफ ए है कि एन एफ ए है? एन एफ ए है सर। ये क्या है कि सेम स्टेट से, स्टेट नंबर 1 से ए के लिए दो पाथ जा रहे हैं, ये भी पाथ है और ए के लिए ये भी पाथ है। तो ये इसका मतलब ये, अगर एक भी ऐसी कंडीशन है आप इसको डी एफ ए नहीं कह सकते, आप इसको एन एफ ए कहेंगे, ठीक है। ये एन एफ ए है, ठीक है, ये डी एफ ए नहीं है, ये डी एफ ए की कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रही, ठीक है। तो अगर हम इस एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रूव कर रहे हैं कि एवरी एन एफ ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू डी एफ ए, ये सेम प्रोसीजर यूज करते हुए। तो लेट स्टार्ट इसको कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास एन एफ ए है, इसको मैं आपको कन्वर्ट करके दे रहा हूँ कि इसको हम इक्विवेलेंट
DFA में कन्वर्ट करते हैं, वो कैसे, इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है? आपने क्या करना है, आपने जितने आपके पास सिग्मा में लेटर्स हैं, इसमें सिग्मा में जो लेटर्स यूज हुए हैं वो ए बी हैं, तो आपने कॉलम्स बनाने हैं उतने जितने सिग्मा में आपके पास लेटर्स हैं, ठीक है, तो आपने ए बी ऐसे लिखना। स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है, इसको मैं फॉर एग्जांपल जी नॉट कहता हूँ, इसको मैं जी वन कहता हूँ और इसको मैं जी टू कहता हूँ। तो ये मेरे पास जी वन स्टेट है, ये मेरे पास जी टू स्टेट है और ये मेरे पास जी नॉट स्टेट है। स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है, जी नॉट, जी नॉट स्टेट है, ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि जी नॉट से अगर मैं ए रीड करता हूं, मैं कौन कौन सी स्टेट पे जा रहा हूं? सर ए पे भी रह रहे हैं और जी वन पे भी। ए, आप जी वन पे भी रह रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये आपके पास जी नॉट है, ये आपके पास जी वन है, ये आपके पास जी टू है। Z2 जो है वो फाइनल स्टेट है और Z1 जो है वो स्टार्टिंग स्टेट, Z0 जो है वो स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, Z0 से अगर आप A रीड करें तो आप Z1 पे भी जा रहे हैं, तो आप Z1 यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई और स्टेट पे भी जा रहे हैं A रीड करके, तो आप वो भी लिखेंगे। Z0 यहाँ पे है कि अगर Z0 से A रीड करें तो आप Z0 पे भी रह रहे हैं, तो आप Z0 भी लिखेंगे, ठीक है। आप इन स्टेट को एक नई स्टेट से लेबल करेंगे, जैसे ये वाली स्टेट है, इस स्टेट को आप नई स्टेट से लेबल कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप लिख देंगे एक्स नॉट, इसको मैं कह दूंगा ये एक्स नॉट है, ये स्टेट। इस ये जो नया सेट बना है, इसको मैंने पहले से अगर लेबल नहीं किया तो मैं इसको नई स्टेट से लेबल करूंगा, इसको मैं कह दूंगा फॉर एग्जांपल ये एक्स वन है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं जी नॉट से, जो कि ये वाली स्टेट है, इससे मैं बी रीड करता हूँ, तो मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं Z नोट पे ही रह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर Z नोट की बात करूँ, तो Z नोट से अगर मैं B रीड करता हूँ, तो मैं Z नोट पे ही रह रहा हूँ, और इस स्टेट को मैंने लेबल किया हुआ है X नोट के साथ, तो इसको मैं X नोट ही लिखूंगा, डन हो गया। अब इनमें से जो यहाँ पे बेसिकली न्यू स्टेट्स आपने लिखनी है, न्यू स्टेट्स इस कॉलम में बेसिकली न्यू स्टेट्स आपने लिखनी है। कोई नई स्टेट आई है, पहले X नोट थी, ये न्यू स्टेट आई थी, ठीक है। अब एक नई स्टेट आ गई है X1, X1 एक स्टेट आ गई है जो कि न्यू स्टेट है, और ये स्टेट है Z0 और Z1 की। अब आपने दोनों में लिखना है कि Z0 से अगर आप A रीड करेंगे तो आप कहां कहां पे जाएंगे, और Z1 से अगर आप A रीड करेंगे तो कहां कहां जाएंगे, वो सारे के सारे सेट यहां पे लिखना है। अगर मैं Z0 से A रीड करता हूं तो मुझे पता है कि मैं यहां पे जाता हूं, कहां पे जाता हूं, Z0 पे जाता हूं और Z1 पे जाता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं Z1 से A रीड करता हूं, मैं कहां पे जा रहा हूं, Z1 से A रीड करता हूं तो मैं कहां पे जा रहा हूं, Z2, Z2 पर, तो मैं यहां पे Z2 भी लिखूंगा। अब ये चूंकि ये एक नया सेट बन गया है, Z1, Z2, Z1, Z0, Z1, Z2, तो ये मैंने किसी स्टेट से लेबल नहीं किया, इसको मैं न्यू लेबल करूंगा, इसको मैं कह दूंगा X2। अब इसी तरीके से Z0 से अगर मैं B रीड करता हूं तो मैं कहां पे जाता हूं, ये मुझे पहले ही पता है कि मैं Z0 पे जाता हूं, और Z1 से अगर मैं B रीड करता हूँ, Z1 से अगर मैं B रीड करता हूँ तो मैं Z0 पे ही रहता हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे Z0 आएगा, और Z0 को मैंने किससे लेबल किया हुआ है, X0 के साथ, तो यहाँ पे मैं X0 लिखूँ, डन हो गया। अब कोई नई स्टेट बनी है, यस नई स्टेट बनी है, X0, X2, X2 को लेंगे, X2 के ऊपर लिखा हुआ है Z0, Z1 और Z2। Z0 से अगर आप A रीड करते हैं तो आप कहाँ पे जाते हैं, ये पता है हमें कि हम Z0 पे रहते हैं और Z1 पे रहते हैं, ठीक है। Z1 से अगर हम A रीड करते हैं, हमें पता है हम Z2 पे जाते हैं, और Z2 से अगर हम A रीड करते हैं, हम Z2 पे रहते हैं, तो ये वाली वही स्टेट रहेगी। कौन सी स्टेट रहेगी, इसको हमने लेबल किया हुआ X2 के साथ, इसको हम X2 से लेबल करें, ओके। इसी तरीके से अगर हम Z2 से B रीड करते हैं, X2 स्टेट से B रीड करते हैं, तो X2 में B कौन कौन सी स्टेट्स हैं, Z0 है, Z0 से अगर आप B रीड करते हैं तो Z0 पे ही रहते हैं, Z1 से अगर आप B रीड करते हैं तो Z1 पे ही रहते हैं, ठीक है। और तो ये पहले आपने क्यों नहीं लिखवाया,
यहाँ पे जी नॉट से जी वन से अगर आप बी रीड करते हैं तो आप यहाँ पे भी रहते हैं और यहाँ पे भी जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आना था, जी वन भी आना था, जी नॉट और जी वन। तो जी नॉट और जी वन कौन सी स्टेट है, ये बेसिकली एक्स वन स्टेट है, तो यहाँ पे एक्स वन आएगा। इसी तरीके से अगर आप जी नॉट से बी रीड करते हैं तो जी नॉट से अगर आप बी रीड करें तो आप जी नॉट पे ही रहते हैं, फिर आप जी वन से अगर आप बी रीड करें तो आप जी वन पे भी रहते हैं और जी नॉट पे भी रहते हैं, तो जी वन आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगर आप जी टू से बी रीड करते हैं तो आप जी टू पे ही रहते हैं। तो ये जो स्टेट है ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, एक्स टू, इसको हमने लेबल किया हुआ है। अब चूंकि कोई भी नई स्टेट नहीं बनी, ये एक्स टू है, ये भी एक्स टू है, एक्स टू को हम पहले से लिख चुके हैं कि उसको हमने कहाँ पे जाना है, एक्स वन से एक्स नॉट का भी लिख सकते हैं, एक्स वन का भी लिख चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आपने जब भी आपने NFA को DFA में कन्वर्ट करना है तो आपने इस तरह से टेबल बनाना है, ठीक है। जब आपने टेबल बनाना है तो बना लिया आपने, अब इसमें एक्स जो अगर इसकी जो स्टार्टिंग स्टेट होगी NFA की, वो जहाँ जहाँ पे जी नॉट आएगा, ये जी नॉट है अकेला, तो बेसिकली जिसको आपने उसे लेबल किया होगा वो नई, ये न्यू स्टेट्स हैं, x नॉट, x वन, x टू। तो मैं इसको बना लेता हूँ। पहले आपने बनाया x नॉट, ये एक x नॉट स्टेट बनाई, ये बेसिकली मैं आप NFA बनाने जा रहा हूँ और DFA बनाने जा रहा हूँ। x नॉट से अगर आप a रीड करते हैं तो आप कहाँ पे जाते हैं, x वन पे, तो आप x वन पे लिखते हैं, x वन, अगर आप a रीड करते हैं तो x नॉट से x वन पे चले जाते हैं। x नॉट से अगर आप b रीड करते हैं तो आप कहाँ पे जाते हैं, x नॉट से अगर आप b रीड करते हैं तो x नॉट पे ही रहते हैं, तो आप यहाँ पे ही लेबल लगा देंगे b का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से अगर आप x1 से a रीड करते हैं तो आप x2 पे चले जाते हैं, x1 से a रीड करते हैं तो x2 पे चले जाते हैं, x1 से अगर आप b रीड करते हैं तो आप x1 पे ही रहते हैं, अगर आप b रीड करते हैं तो आप x1 पे ही रहते हैं, x2 से अगर आप a रीड करते हैं तो आप x2 पे रहते हैं, x2 से अगर आप a रीड करते हैं तो x2 पे रहते हैं, और x2 से अगर आप b रीड करते हैं तो फिर भी आप x2 पे रहते हैं। तो यहाँ पे कॉमा लगा के b लिखो। अब मुझे ये बताएं कि ये जो है ये NFA या DFA है, DFA। इसमें आप देख सकते हैं कि हर स्टेट से एक करेक्टर के लिए एक ही पाथ है, b का एक ही पाथ है, x0 से a का पाथ है एक है, फिर x1 से b का पाथ एक है, a का पाथ एक है, x2 से a का पाथ एक है और b का पाथ एक ही है। अब इसमें कौन सी स्टार्टिंग स्टेट होगी, कौन सी फाइनल स्टेट होगी, इसमें आपने देखना है कि इसमें देखेंगे ये जो फाइनल स्टेट थी z2, तो जिस जिसमें z2 आएगा वो फाइनल स्टेट होगी। z2 किस में आ रहा है, z2 सिर्फ x2 में आ रहा है, तो x2 में आ रहा है, यहाँ पे z2 आ रहा है, यहाँ पे z2 आ रहा है, तो ये हमारे पास जो x2 होगी ये हमारी फाइनल स्टेट होगी, तो इसको आपने फाइनल स्टेट बना देना, ये हमारी फाइनल स्टेट। और फर्स्ट इनिशियल स्टेट कौन सी होगी, जो इसमें इनिशियल स्टेट है, जी नॉट, जी नॉट को हमने किस में लेबल किया था, एक्स नॉट से, तो इसमें एक्स नॉट हमारी स्टार्टिंग स्टेट होगी, तो ये स्टार्टिंग स्टेट होगी हमारे और ये हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। तो ये है जी कन्वर्जन का मेथड। कितने लोगों को समझ नहीं आई, किसी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो, सबको समझ आ गई है? यस सर, समझ आ गई है। चलें फिर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको कन्वर्ट करें और मुझे उसका आपने टेबल लिखवाना है और फिर मुझे आपने बताना है कि उसका आपने DFA क्या बनाया है। मैं यहाँ पे एक NFA बनाने जा रहा हूँ। जी नोट से अगर आप बी रीड करते हैं तो आप यहाँ पे चले जाते हैं जी वन पे, और जी वन से अगर आप नल रीड करते हैं नल का मतलब ये है कि जब भी आप जी वन पे आएंगे आप समझ लें कि आप जी टू पे भी चले गए हैं, इसका मतलब ये होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आप जी नॉट से बी रीड करते हैं तो आप जी वन पे आते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जी नॉट से बी रीड करके जी वन पे भी आ रहे हैं और जी टू पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि, तो ये नल अभी मैं नहीं लिखता यहाँ पे, कंफ्यूज होगी आप लोगों के लिए।
चले जी, इसके लिए आपने क्या करना है, इस NFA के लिए आपने DFA करना है, तो कन्वर्ट दिस NFA इनटू इक्विवेलेंट DFA, इसको कन्वर्ट करें।
जी स्टूडेंट्स, किसी ने कन्वर्ट किया है? सर कर रहे हैं। ओके
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी स्टूडेंट्स। सर सर अगर Z1 और Z1 दो दफा आ जाए उसको एक दफा काउंट किया जाएगा? एग्जैक्टली एक सेट में एक एलिमेंट एक ही दफा आएगा ना। सेट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी हमने, कोई भी एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट मैं एग्जांपल जो है ये वाली आपको करवा देता हूँ, ठीक है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से आपने कॉलम्स बना लेने हैं तीन, इसमें आपने ए और बी लिखना है। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग स्टेट लिखनी है, स्टार्टिंग स्टेट हमारे पास है Z0, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी न्यू स्टेट होगी वो यहाँ पे लिखेंगे आप न्यू स्टेट्स। तो स्टार्टिंग स्टेट जो है वो Z0 है, Z0 आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? तो Z0 को हम X0 से लेबल कर लेते हैं, ठीक है? अब Z0 से अगर आप ए रीड करते हैं तो यू कैन सी हियर, Z0 से अगर आप ए रीड करते हैं तो आप Z0 पे ही रह रहे हैं, तो आप Z0 पे ही रह रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा कोई पाथ नहीं है, तो ये X0 का ही पाथ है। इस तरह से अगर हम बात करें Z0 से अगर आप बी रीड करते हैं तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, आप Z0 पे भी रह रहे हैं और आप Z1 पे भी रह जा रहे हैं। तो Z0 आएगा यहाँ पे और Z1 आएगा। अब ये चूंकि एक नई स्टेट है इसको हम लेबल करेंगे X1 के साथ, ठीक है? अब आपने X1 स्टेट जो है जो कि न्यू स्टेट है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। इस पे दो स्टेट्स है Z0 और Z1, क्या Z0 से अगर आप ए रीड करते हैं आपको पता है कि आप जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, आप Z0 पे ही रह रहे हैं। लेकिन Z1 से अगर आप A रीड करते हैं तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, Z1 से A रीड करके आप Z3 पे जा रहे हैं, तो Z3 आप यहाँ पे लिखेंगे। ये एक नई स्टेट है इसको हम लेबल करेंगे X2 के साथ, क्या? इसी तरीके से अगर आप Z0 से अगर B रीड करते हैं तो आप Z1 पे जा रहे हैं और Z0 पे भी रह रहे हैं। और Z1 से अगर आप बी रीड करते हैं, Z1 से आप Z1 पे भी रह रहे हैं और Z3 पे भी जा रहे हैं। Z1 एक दफा ही लिखेंगे और Z3 भी लिख देंगे यहाँ पे। अब क्योंकि ये नया सेट है इसको हम लेबल करेंगे X3 के साथ, और जितने भी न्यू स्टेट्स बनी हैं हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। X2 एक नई स्टेट बनी है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसके अलावा X3 हमारे पास एक न्यू स्टेट बनी है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। X3 में हमारे पास है Z1, Z0, Z1 और Z3। ये यहाँ पे Z2 लेबल नहीं किया हुआ तो आप Z3 को ही लेके चलते हैं ऐसे, ठीक है? ओके, तो Z0 से अगर आप A रीड करते हैं तो आपको पता है कि आप Z0 पे ही रह रहे हैं, और Z3 से अगर आप A रीड करते हैं तो आप Z3 पे ही रह रहे हैं। तो Z0 और Z3 जो है इसको हमने पहले से लेबल किया हुआ है, इसको हम X2 कह रहे हैं, तो ये X2 पे ही रहेगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप Z0 से B रीड करते हैं तो आप Z0 पे भी रह रहे हैं और Z1 पे भी रह रहे हैं। ये यहाँ से पता चल जाता है कि जब आपने X0 से B रीड किया था तो आप यहाँ पे भी चले गए थे और यहाँ पे भी चले गए थे, तो आपने यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक है? अगर आप Z3 से B रीड करते हैं तो आप Z3 से B रीड करके Z1 पे आ जाते हैं, तो आप Z1 पहले से लिखा हुआ है तो आपका ये स्टेट जो है वो कंप्लीट है। तो Z0 और Z1 को हमने किससे लेबल किया हुआ है, X1 से, तो ये X1 स्टेट है, ये एक नई स्टेट नहीं है, डन हो गया। अब हम Z3 की बात करते हैं। Z3 से Z0 से अगर आप A रीड करते हैं तो आप Z0 पे ही रहते हैं। Z1 से अगर आप A रीड करते हैं तो आपको पता है कि Z0 और Z1 से अगर आप A रीड करते हैं तो आप Z0 और Z3 पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं Z0 और Z3 लिख सकता हूँ इस टेबल की मदद से। यहाँ पे आप देखें Z0 से और Z1 से अगर आप A रीड करते हैं तो आप Z0 और Z3 पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और Z3 से अगर आप A रीड करते हैं तो आप Z3 पे ही रहते हैं, तो ये एक कम्प्लीट सेट है Z0 और Z3। इसको आपने किससे लेबल किया हुआ है, X2 के साथ लेबल किया हुआ है, इसको हम X2 लिखेंगे।
इसी तरीके से z नॉट से अगर आप b रीड करते हैं तो आप z नॉट पे भी चले जाते हैं और z1 पे भी चले जाते हैं। z1 से अगर आप b रीड करते हैं तो आप z1 पे भी रहते हैं और z3 पे भी चले जाते हैं, z1 और z3, तो यहाँ पे z3 भी आएगा। और z3 से अगर आप b रीड करते हैं तो आप z1 पे चले जाते हैं, तो z1 पहले से लिखा हुआ है, तो ये z1 z नॉट z1 z3 आ जाएगा। इस सेट को हमने कहा हुआ है कि ये x3 है। अब चूंकि कोई भी नई स्टेट नहीं बनी, x1 x2 x3 x x1 2 3 ये कंप्लीट हो गई है, कोई भी नई स्टेट नहीं बनी, तो ये हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपल जो है वो x नॉट सबसे पहले बनानी है, x नॉट बना ली। x नॉट से अगर मैं a रीड करता हूँ तो मैं x नॉट पे रहता हूँ, तो a रीड करके मैं x नॉट पे ही रहूँगा। b रीड करके मैं x1 पे जा रहा हूँ, तो b रीड करके मैं x1 पे चला जाऊँगा, x1 नई स्टेट बनाऊँगा। x1 से अगर मैं a रीड करता हूँ तो मैं x2 पे चला जाता हूँ, तो x1 से अगर a रीड करता हूँ x2 पे चला जाऊँगा, x2 एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी। x1 से अगर मैं b रीड करता हूँ तो x3 पे चला जाऊँगा, x1 से अगर मैं b रीड करता हूँ तो मैं एक नई स्टेट पे चला जाऊँगा x3 पे, x2 से अगर a रीड करता हूँ तो x2 पे ही रहता हूँ, a रीड करता हूँ तो x2 पे ही रहता हूँ, x2 से अगर b रीड करता हूँ तो x1 पे चला जाता हूँ, तो b रीड करता हूँ तो x1 पे चला जाता हूँ, x1 पे दोबारा चला जाऊँगा। x3 से अगर a रीड करता हूँ तो x2 पे रहता हूँ, a रीड करता हूँ तो x2 पे रहता हूँ, और x3 से अगर b रीड करता हूँ तो x3 पे ही रहता हूँ, तो b रीड करके x3 पे ही रहता हूँ। तो ये है जी स्टेट, ये कम्प्लीट DFA है। और इसमें जो स्टार्टिंग स्टेट होगी वो z x0 होगी, x0 क्योंकि z0 को रिप्रेजेंट करती है स्टार्टिंग स्टेट होगी, और जिस जिस में z3 आएगी वो सारी की सारी फाइनल स्टेट होंगी। तो z3 किस किस में आ रहा है, z3 x2 में भी आ रहा है, तो ये हमारी फाइनल स्टेट होगी, इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और z3 इसमें भी आ रहा है तो इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो x2 और x3 हमारी फाइनल स्टेट होगी, इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे x0 को, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, तो x2 जो है वो भी हमारी फाइनल स्टेट है और x3 जो है वो भी हमारी फाइनल स्टेट है। तो क्या आपने डी एफ ऐसे बनाया, आपका डी एफ ऐसे बना? यस सर। हमजा शकील, महादेव, मुईज इमरान, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हुजैफा, यस सर मेरा इस तरह बना, मोहम्मद याकूब, मुनीब अहमद, हमाद सरवर। तो ये जो 10-12 स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं इनमें से इसमें से 2-3 स्टूडेंट सुन रहे हैं, बाकी सारे जो हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर NFA इनटू इक्विवेलेंट DFA। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस लैंग्वेज के लिए आप NFA बना सकते हैं उसके लिए आप DFA बना सकते हैं। वो कैसे, आप NFA बना लें और बाद में उसको इस तरह से DFA में कन्वर्ट कर लें, तो ये, या फिर आप डायरेक्ट किस तरह से उसकी DFA बना लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी लैंग्वेज जिसके लिए हम NFA बना सकते हैं उसके लिए DFA भी बना सकते हैं, तो दोनों की पावर जो है वो सेम है, NFA इज इक्विवेलेंट टू DFA। ठीक है, इक्विवेलेंट के लिए हम बेसिकली ये सिंपल यूज करते हैं, इक्वल के लिए हम ये सिंपल यूज करते हैं और इक्विवेलेंट के लिए ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि NFA इज इक्विवेलेंट टू DFA, दोनों की पावर जो है वो सेम है। ठीक है, सो ये दोनों इक्विवेलेंट मॉडल है। ठीक है, तो ये आपको आज क्लियर हो गया। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे क्लीन्स थ्योरम, हम क्लीन्स थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये DFA एक दफा वो दोबारा बता दें किस तरह बनाया है सर, टेबल से जो DFA बनाया ना सर, ये इसका थोड़ा समझने मुश्किल हो रहा है, ये सर एक दफा रिपीट करिए। x नॉट सबसे पहले आपने बनाने, x नॉट बना लिया मैंने, x नॉट। ठीक है, x नॉट से a रीड करके मैं कहां पे जा रहा हूं, x नॉट पे जा रहा हूं, x नॉट से a रीड करके मैं x नॉट पे जा रहा हूं, x नॉट से b रीड करके मैं कहां पे जा रहा हूं, x1 पे, तो b रीड करके x1 पे जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे आ जाऊंगा, यहां पे x1 है, ये वाली स्टेट, x1 से अगर मैं a रीड करता हूं तो मैं कहां पे जा रहा हूं, x2 पे, x2 x1 से a रीड करके मैं x2 पे जा रहा हूं।
x1 से b रीड करके मैं कहां पे जा रहा हूं, x3 पे, तो x1 से b रीड करूंगा तो x3 पे चला जाऊंगा। अब मैं यहां पे चला जाऊंगा x2 है, x2 से a रीड करता हूं तो मैं कहां पे चला जाऊंगा x2 पे, x2 से a रीड करूंगा तो x2 पे ही रहूंगा, और x2 से अगर अब b रीड करता हूं तो कहां पे जाऊंगा x1 पे, b रीड करके x1 पे चला जाऊंगा, फिर मैं यहां पे आ जाऊंगा x3, x3 से अगर a रीड करता हूं तो मैं कहां पे जाता हूं x2 पे, x3 से a रीड करता हूं तो x2 पे चला जाऊंगा, और x3 से अगर b रीड करता हूं तो कहां पे चला जाऊंगा x3 पे, तो b रीड करके मैं x3 पे ही रहूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब इनमें से कौन सी स्टेट फाइनल है, कौन सी इनिशियल है? z नोड हमारी इनिशियल स्टेट है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम x नोड को यूज किया था, तो x नोड हमारी इनिशियल स्टेट होगी, इसको इनिशियल बनाना है। और इसमें जो कि आपकी z3 जो है वो फाइनल स्टेट थी, तो जिस जिस सेट में z3 आ रहा है, ये z3 यहां पे आ रहा है, तो इसको आपने फाइनल बनाना है, x2 को फाइनल बनाना है, z3 यहां पे आ रहा है x3 में, x3 को फाइनल बनाना है, इसके अलावा x1 में z3 नहीं आ रहा, ये फाइनल नहीं होगी, x0 में z3 नहीं आ रहा, ये फाइनल नहीं होगी, तो z2 और z3 जो है उसको फाइनल स्टेट बनाना है, तो इसको भी फाइनल कर दें और इसको भी फाइनल कर दें, तो ये आपकी DFA कंप्लीट है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये देखेंगे, हमने 3 मॉडल्स डिस्कस किए हैं, हमने RE डिस्कस किया है, हमने NFA डिस्कस किया है, हमने DFA डिस्कस किया है। असल में ये तीनों मॉडल जो हैं ये इक्विवेलेंट मॉडल हैं, इक्विवेलेंट कंप्यूटेशनल मॉडल हैं। मतलब क्या कि जिसके लिए हम RE बना सकते हैं, जिस लैंग्वेज के लिए, ठीक है, वो उसके लिए हम NFA बना सकते हैं, जिसके लिए NFA बना सकते हैं उसके लिए DFA बना सकते हैं, और जिसके लिए DFA बना सकते हैं उसके लिए RE भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्यूटेशनल, ये इक्विवेलेंट मॉडल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लीन्स थ्योरम, ये क्लीन्स थ्योरम है। क्लीन्स थ्योरम ये कहता है कि ये तीनों के तीनों मॉडल्स जो हैं ये इक्विवेलेंट मॉडल हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों के तीनों में 3 डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, तो क्लीन्स थ्योरम 1 उसको कहते हैं, क्लीन्स थ्योरम 1, 2 एंड 3, तो उसमें हमने ये प्रूव करना है कि इसके लिए RE बना सकते हैं, उसके लिए NFA बना सकते हैं, जिसके लिए NFA बना सकते हैं उसके लिए DFA बना सकते हैं, और जिसके लिए DFA बना सकते हैं उसके लिए RE भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है, ये पार्ट 1 सपोज है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव करेंगे कि क्या वाकया ही ऐसे है। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रूव दिस। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर सकते हैं TG ट्रांजिशन ग्राफ, ये भी एक कंप्यूटेशनल मॉडल है। ट्रांजिशन ग्राफ क्या है? ट्रांजिशन ग्राफ जो है ये एडवांस फॉर्म है NFA के। ट्रांजिशन ग्राफ में हम किसी एक स्टेट से, इसमें डिफरेंस ये है ट्रांजिशन ग्राफ और NFA में, NFA में हम ये करते थे कि किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट तक जब हम लेबल करते थे तो सिर्फ सिंगल करेक्टर से लेबल करते थे, ये NFA में था। ठीक है, अगर हमने स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे जाना है तो हम सिंगल करेक्टर से लेबल करते थे, जबकि अगर हम TG की बात करें ट्रांजिशन ग्राफ की, तो इसमें हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक हम एक से ज़्यादा करेक्टर से लेबल कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी RE से लेबल कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हम A.B रीड करके हम यहाँ पे जा रहे हैं, या A.B* रीड करके हम यहाँ पे जा रहे हैं, या A.B* + B रीड करके हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो हम किसी भी स्टेट को हम लेबल कर सकते हैं विद इक्विवेलेंट जो है ना RE के साथ। तो TG में और NFA में डिफरेंस ये है कि इसमें हम एक करेक्टर से लेबल करते हैं किसी भी H को, जबकि इसमें हम किसी भी H को RE से लेबल कर सकते हैं, इवन के RE से लेबल कर सकते हैं, यानी कि मोर देन 1 करेक्टर से लेबल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की?
ओके, तो क्लीन्स थ्योरम है, क्लीन्स थ्योरम ये कहता है कि उसका जो उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसका जो जो एक पार्ट है वो ये है कि एवरी टीजी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट आरई. ठीक है, ये कहता है हर टीजी को हम आरई में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम ये पार्ट नंबर 3 है क्लीन्स थ्योरम का. तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3. कुछ पार्ट्स जो हैं वो ट्रिवियल हैं, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मॉडल के ऊपर चले जाएंगे जो कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हैं. ये अभी तक जो भी अभी हमने मॉडल डिस्कस किए हैं ये रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए. Attendance, please. Abdullah bin Anik. Abu Bakr. Present. Ahmed Salman. Ahmed Fayaz. Present, sir. Faisal Sarwar. Present, sir. Hamza Masood. Hunayan Iqbal. Purab Dildar. Hello, sir. Malaika Aziz. Mohammed Butt. Muiz Imran. Present, sir. Mohammed Hamad Sarwar. Mohammed Hamza. Present, sir. Mohammed Uzaifa. Present. मोहम्मद मोइन गुल, मोहम्मद साद रियाज, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद याकूब, प्रेजेंट सर, मुनीब अहमद, रेहान सलाहुद्दीन, रुहान अफजल, समीर वाहिद, शाहजेब लतीफ, सोहेब महमूद. सर मुनीर अहमद प्रेजेंट है. सोहेब है. ओके सर प्रेजेंट. सोहेब. उसामा मुनव्वर. सर मुनीर अहमद प्रेजेंट है. मुनीर अहमद प्रेजेंट है. वो माइक. वकार वकार अहमद. ओके सर हम मास सर्वर की भी लगा. मास सर्वर की है. ओके हो गया सर. वो इंटरनेट को उसका रिकनेक्ट हो गया इसलिए वो. उसामा मुनव्वर है. उसामा मुनव्वर. ओके थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास. सर मुनीब अहमद प्रेजेंट है. मेरा माइक नहीं था ऑन हो रहा. मुनीब अहमद अब अभी आपने अभी ज्वाइन किया. आपने पढ़ा ही कुछ नहीं है. क्या पढ़ा आपने? नहीं सर मेरा ज्वाइन तो कब से है. मेरा इंटरनेट स्टार्ट है. आज हमने क्या पढ़ा है? इंटरनेट सही हो गया आपका. आपकी अटेंडेंस लगा दिया मैंने. ओके अल्लाह हाफिज़.